अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी मेज़बान शानदा। पिछली वीडियो में मैंने आपको साग बनाने का, सरसों का जो साग है गंदलों वाला, बनाने का मेथड बताया था। आज की वीडियो में मैंने आपको साग को तड़का लगाने का तरीका बताऊंगी कि साग को तड़का किस तरह से लगाते हैं, आपने क्या करना है। कि ये देखें कि मेरा साग अब बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको तड़का हम किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि मैंने ये सब्ज़ जो प्याज है वो ये आपको नज़र आ रहा है, मैं सब्ज़ प्याज ली है और सब्ज़ प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक करके चॉप कर लिया है। और ये सब्ज़ धनिया है और साथ में जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैंने वो ले लिया है। उसको मैंने कूट के अच्छी तरह से बारीक कर लिया है एक दस्ते की मदद से, और ये मैंने धो के अच्छी तरह से इसे कट करके रख लिया है। ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है और बाकी जो मसाला जात होते हैं वो भी सारे आपने रेडी कर लेने हैं। और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये सब्ज़ धनिया है, ये बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है। जितना ज़्यादा फ्रेश होगा उतना ही आपका जो साग है वो बहुत मज़े का तड़का लगेगा और बहुत ही आपको मज़ा आएगा खाने में भी और पकाने में भी। ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, ये भी मैंने अच्छी तरह से सब्ज़ मिर्चों को धो के कूट के अच्छी तरह से इनको साफ़ करके मैंने रख दिया है। अब मैंने इसके अंदर घी ऐड करके, घी ऐड कर दिया और मैंने जो सब्ज़ प्याज थी वो इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मैं ब्राउन कर रही हूँ। जब ये अच्छे से ब्राउन हो गया फिर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है और फिर मैं इसको अच्छे से चम्मच हिला रही हूँ। अच्छे से आप इसमें चम्मच हिलाइएगा ताकि ये नीचे नहीं लगे और जले नहीं, बस आपने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है आपने वो भी इसके अंदर डाल के उसको भी ब्राउन कर लेना है। और जो सब्ज़ मिर्च है वो आपने जब इसके अंदर आप साग को डालेंगे तब आपने वो इसके अंदर ऐड कर देनी है अच्छी तरह से। और जो दीगर मसाला जात हैं वो भी आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। साग का जो तड़का है उसमें ज़्यादा जो मसाला जात होते हैं वो नहीं ऐड करने चाहिए, इस तरह से साग का जो जायका होता है वो अजीब तरह का हो जाता है। आप ये जिस मेथड से मैं आपको बता रही हूँ, आप इस मेथड से अपने साग को तड़का लगाएंगे तो आपका साग बहुत ही मज़े का होगा और आपका बार बार खाने को दिल चाहेगा। आपने इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देना है जिससे कि ये नीचे नहीं लगे, जले नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें अच्छे से चम्मच को हिलाना है। आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो आपने कुटी हुई थी वो ऐड कर देनी है और उसके बाद आपने रेड मिर्च है जो वो अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहें, आपको कम लगे वो ऐड कर लें, क्योंकि मुझे कम थोड़ी साग में तेज़ मिर्ची पसंद है इसलिए मैं थोड़ी सी इसके अंदर जो रेड मिर्च भी ऐड करूँगी। और अगर आप भी करना चाहें तो आप भी इसके अंदर जो रेड मिर्च है कुटी हुई वो भी ऐड कर सकते हैं, या जो दड़ा मिर्च होती है वो भी आप इसके अंदर अच्छे से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर रेड मिर्च जो बारीक कुटी हुई थी वो मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर, उसे अच्छे से चम्मच को हिलाया है। आप इसे अच्छे से पकने के लिए रखते हैं, जब इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए और ये घी छोड़ दे तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो मसाला है साग के लिए आपने जिसे तड़का लगाना है रेडी हो चुका है। ये देखिए मेरा रेडी हो चुका है। मैंने इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्च कूट करके रखी हुई थी बारीक वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है सब्ज़ मिर्च। और अब मैं इसमें अच्छे से चम्मच हिलाऊंगी। देखिए अब ये जो घी है वो बिल्कुल ये पक रहा है, बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है, घी भी आ गया है। और अब मैं इसके अंदर जो साग है वो ऐड कर दूंगी और अच्छे से चम्मच को इसके अंदर हिलाऊंगी ताकि मेरा साग से इसके देखिए जी ये तड़का लग चुका है, ये मेरा साग बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से आप तड़का लगा के इसे मकई की रोटी के साथ, गंदम की रोटी के साथ खाइएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये गाँव का साग है नाज़रीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल शानज़ा फ़ातिमा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।